الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد पिछले जुमा को मैंने सूरह तकासुर की कुछ तशरीह आप हजरात की खिदमत में पेश की थी, जिसका खुलासा यह था कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी आपकी ये शिकायत इस सूरत में बयान फरमा रहे हैं कि तुम दिन रात एक दूसरे से दौलत में, राहत में, आगे बढ़ने की फिक्र में लगे हुए हो और इस फिक्र ने तुम्हें अपनी हकीकी मंजिल से गाफिल कर दिया है, उसको तुम भुला बैठे हो कि हमारी आखिरी मंजिल क्या है और हमें कहाँ जाना है, कहाँ मुस्तकिल तौर पर रहना है और वहाँ पर हमें अपने आमाल का किस तरह हिसाब देना है। ये सारी बातें तुम्हारी दुनियावी जिद्दोजहद के इन्हमाक में तुम्हारी आँखों से ओझल होती रहती हैं। इसका नतीजा ये है कि तुम सुबह से शाम तक अपनी दुनिया ठीक करने के लिए तो लगे रहते हो, लेकिन जो आखिरत की अबदी ज़िंदगी है, जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, उसके लिए तैयारी करने का ख्याल तुम्हें था। ये आता है तो बहुत कम आता है, तो गाफिल कर रखा है तुम, यहाँ तक कि इसी फिक्र में दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा हुसूल में आगे बढ़ते हुए तुम एक दिन कब्रिस्तान तक पहुँच जाते हो, जबकि अमल का वक्त गुजर चुका होता है। तो तुम्हें हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए, कल्ला अलहाकुमत तकासुर हत्ता ज़ुर्तुम अल-मक़ाबिर कल्ला सौफ तालमून सुम्म कल्ला सौफ तालमून, खूब अच्छी तरह खुद जान लोगे अनकरीब, जब मौत आएगी कब्र में पहुंचोगे और आखिरत का आलम शुरू होगा तो खूब अच्छी तरह समझ जान जाओगे कि हमने किस काम में अपनी ज़िंदगी कमाई थी। दो मरतबा ताकीद से फरमाया सुम्म कल्ला सतालम, फिर आगे फरमाया कल्ला तरबुन्नल जहीम। ये पक्की बात है कि एक दिन तुम जहन्नम देखोगे अपनी आंखों से। यहां तो सिर्फ जहन्नम का तज़किरा हो रहा है, जहन्नम के अजाब का जिक्र हो रहा है, तुम कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं करते, लेकिन वहां तुम अपनी आंखों से जहन्नम देख लोगे। और ये बात कि जहन्नम आंखों से देखोगे, ये सिर्फ बदआमाल लोगों के लिए नहीं है, बल्कि जो नेक लोग हैं, जो अल्लाह के अच्छे बंदे हैं, वो भी देखेंगे। कुरान करीम ने इस हकीकत को वाज़े फरमाया कि इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा कान अला रब्बिका हतमन मक़ज़िया, तुम में से कोई ऐसा नहीं है जो जहन्नम के ऊपर से न गुजरे, चाहे मुत्तकी हो, चाहे आलिम हो, चाहे अल्लाह का वली हो, कुछ भी हो, जहन्नम से गुजरना जरूर होगा। पुल सिरात जो है वो जहन्नम पर बना हुआ है, लिहाजा जब
पुल सिरात से गुजरेगा इंसान तो चाहे कितना ही मुत्तकी हो, कुछ भी हो, वो जहन्नम को अपनी आंखों से देखेगा। लतरबुन्नल जहीम। फिर आखिर में फरमाया वलतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। और उस दिन जब अल्लाह जल्ला जलालुहु के हुजूर तुम हाजिर होगे तो तुमसे नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। यानी दुनिया में हमने जो तुम्हें नेमतें दी थी, वो आंख की नेमत हो, वो कान की नेमत हो, वो जबान की नेमत हो, वो सेहत की नेमत हो, वो रिज्क की नेमत हो, वो कमाई की नेमत हो, जितनी नेमतें तुम्हें दुनिया में हमने दी थी, उन सब के बारे में तुमसे सवाल होगा कि इन नेमतों का तुमने क्या हक अदा किया। हदीस में एक वाकया आता है कि एक मरतबा रसूल करीम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में कुछ खाने को नहीं था और आप भूख की हालत में थे और घर में कुछ था नहीं खाने के लिए, तो आप अपने घर से बाहर निकले और इस तलाश में कि कोई खाने पीने की चीज़ कहीं से हासिल की जाए, तो ख्याल आया कि हमारे एक अंसारी भाई हैं, उनका एक बाग है और अगर मैं उनके बाग में चला जाऊं तो वो बड़ी खुशी महसूस करेंगे, तो आप उनके बाग में तशरीफ ले गए। गर्मी का ज़माना था और खजूरों का उनका बाग था, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बाग में तशरीफ ले गए। वो सहाबी आपको देखकर खुशी से फूले न समाए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाग में तशरीफ लाए हैं। गर्मी का ज़माना था तो आपको एक दरख्त के साए में आपको बिठाया और आपके लिए कुछ खजूरें और पानी लेकर हाजिर हुए ताकि आपकी कुछ खातिर की जा सके। तो उस बाग में खजूरें ही थी, खजूरें ले आए और पानी ले आए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूरें तनावुल फरमाई, पानी पिया, उसके बाद हाजरीन से फरमाया कि ये जो कुरान करीम में फरमाया गया है कि तुमसे नेमतों के बारे में सवाल होगा, तो ये जो मैं इस वक्त खजूर खा रहा हूँ या पानी पी रहा हूँ या दरस के साए में बैठा हूँ, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें हैं, इनके बारे में भी सवाल होगा कि इन नेमतों का तुमने क्या हक अदा किया। तो इससे ये बता दिया कि नईम जो कुरान करीम ने फरमाया कि नेमतों के बारे में सवाल होगा, उसमें छोटी बड़ी हर किस्म की नेमत इसमें शामिल है। इंसान अपनी जिंदगी में बालिग होने के वक्त से लेकर और मरते दम तक जितनी नेमतों से फायदा उठाता है, उन सब के बारे में सवाल होगा कि तुमने इन नेमतों का क्या हक अदा किया। अब इन नेमतों का पहला हक तो यह है कि आदमी जब भी कोई नेमत हासिल हो, जब भी कोई खुशी की बात आए, जब भी किसी चीज से आदमी को आराम मिले, उस पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करे कि या अल्लाह आपका शुक्र है कि आपने मुझे यह नेमत अता फरमाई, और फिर उस नेमत को गलत कामों में इस्तेमाल करने से अपने आप को बचाए। अल्लाह ने आंख दी है, कितनी बड़ी नेमत है, उस शख्स से पूछो जिसकी बिनाई अचानक चली जाए कि वो करोड़ों रुपया खर्च करके भी वो चाहेगा कि किसी तरह मेरे पास बिनाई वापस आ जाए। अल्लाह ताला ने मुफ्त दे रखी है। तो इसका एक तो
हक यह है कि हम इसका शुक्र अदा करें कि अल्लाह आपने हमें देखने वाली आंख अता फरमाई, और दूसरे यह है कि इस आंख को अल्लाह तबारक व तआला की नाराजी में इस्तेमाल न करें, किसी ऐसी जगह इस्तेमाल न करें जिससे अल्लाह तबारक व तआला नाराज हो। गैर महरम पर लज्जत हासिल करने के लिए निगाह डालना ये इस आंख का जबरदस्त गुनाह है, इससे अपने आंख को बचाए। यह है शुक्र, और इसके बारे में सवाल होगा कि तुमने कितना शुक्र अदा किया और उस नेमत को तुमने किस तरह इस्तेमाल किया। एक हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कुछ थोड़ी सी तफसील बयान फरमाई है। मुतअद्दिद सहाबे किराम से यह हदीस मरवी है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से भी, हजरत मुआज़ इब्न जबल से भी रज़ी अल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन। अजीब बात है, अजीब इरशाद है जो अल्लाह ताला हमें उसको समझने की और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए तो हमारी जिंदगी संवर जाए। ये फरमाया कि ला यज़ूलु कदम अबनी आदम कदम अबन आदम यौम अल क़ियामति इल्ला अन युसअल अन अरबा। क़यामत के लोग जब सब जमा होंगे मैदान हशर में तो किसी बंदे के कदम आगे नहीं बढ़ेंगे, यानी आगे से मुराद ये कि या तो जहन्नम है आगे या जन्नत है, जहन्नम से गुजरकर ही जन्नत पे जाना है। अब सवाल यह है कि जब आदमी हशर के मैदान में खड़ा है और उसको या तो जहन्नम में जाना है या जन्नत में जाना है, उस वक्त फरमाया कि आदमी के कदम नहीं बढ़ेंगे जब तक कि उससे चार चीजों का सवाल ना किया जाए। चार बातें पूछी जाएंगी, उन बातों में अगर कामयाब हो गया तो आगे बढ़कर जन्नत से गुजर जहन्नम से गुजरकर सीधा जन्नत में पहुंचेगा इंशाल्लाह, और जहन्नम की कोई तकलीफ उसको रास्ते में भी नहीं लगेगी। और खुदा न करे अगर नाकाम हुआ तो फिर जन्नत दूर है, रास्ते में जहन्नम से सबका करना पड़ेगा। तो ये चार चीजें हैं जो पूछी जाएंगी। ये हमारी सारी जिंदगी जो है ना एक इम्तिहान है, और उस इम्तिहान का जो असल मौका आएगा उसका पर्चा अल्लाह ताला ने पहले से आउट कर दिया कि ये सवाल होंगे तुम्हारे तुमसे, लिहाजा उनकी तैयारी कर लो। आज अगर किसी तालिब इल्म को पता लग जाए कि भाई मुझसे इम्तिहान के अंदर ये चार सवाल होने हैं तो उसके तो बारे के न्यारे हो गए, और वो क्या करेगा कि उन्हीं चार सवालों पर मेहनत करेगा और उसको हल करने की कोशिश करेगा और तैयारी करेगा कि मैं तो अब बादशाह हूँ, जब चार सवाल जो मुझे पहले से बता दिए गए उनकी इतनी जबरदस्त तैयारी करके जाऊंगा कि मुमताज से भी मुमताज आ जाऊं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए पर्चा आउट कर दिया कि चार सवाल होंगे उनकी तैयारी करो। क्या सवाल होंगे? हत्ता युसअला अन अरबा, चार चीजों से, अन अरबा खसाइल, चार बातों से सवाल। क्या? अन उम्रही फीमा अफनाह, पहला सवाल कि तुम्हें हमने उम्र दी थी, जिंदगी दी थी, और जिंदगी भी मैं भी अच्छी खासी लंबी उम्र दी थी। अन उम्रही फीमा अफनाह, ये बताओ कि वो जो तुम्हें हमने लंबी उम्र दी थी उसको तुमने किस चीज में खत्म किया, यानी पूरी जिंदगी का हिसाब, कि जो सारी जिंदगी तुम्हें हमने आता फरमाई थी, उम्र दी थी, कितनी भी दी हो, 50 साल दी हो, 40 सौ दी हो, 30 दी हो, 60 दी हो, 70 दी हो, 80 दी हो, जितनी भी उम्र हमने दी थी वो तुमने किस काम में खर्च की, ये सवाल है। यानी वहां हिसाब देना पड़ेगा कि जी मैंने आया
ये उम्र जो है वो आपके मर्जी के मुताबिक खर्च की थी, हलाल कामों में खर्च की थी, या आपकी मर्जी के खिलाफ गुनाहों में गुजारी थी। और इस उम्र के अंदर पूरे इंसान के जितना जितने तक़वा है ना, वो सारे के सारे दाखिल हैं। आंख दी थी, उसका सही इस्तेमाल किया था ये नहीं, कान दिए थे उनके सही इस्तेमाल किया था ये नहीं, जबान दी थी उसका सही इस्तेमाल किया था ये नहीं। अन उम्र ही फीमा अपना। तो पहला सवाल ये है, और मकसद उसका ये है इस सवाल को पहले से बता देने का मकसद यह है कि इस सवाल का जवाब अभी से तैयार करो। यानी यह उम्र जो है ना, ये अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई इतनी बड़ी नेमत है कि अगर इंसान चाहे तो इस उम्र के लम्हात को अपने लिए आखिरत का जखीरा बना ले। एक एक अमल, एक एक लम्हा जो इंसान की जिंदगी का गुजर रहा है, उस लम्हे में हर हर लम्हे को वो जन्नत का दरवाजा बना सकता है। एक मर्तबा तुमने अपनी उम्र के अंदर, उम्र गुजारते हुए वक्त खाली गुजर रहा है, तुमने सुभान अल्लाह कह दिया, सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभान अल्लाह अलअज़ीम कह दिया, सुभान अल्लाह अलहम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कह दिया, सिर्फ एक लम्हे के अंदर तुमने अपने लिए सवाब और अजर के ढेर जमा कर लिया। नमाज पढ़ ली, किसी दुखी इंसान के दुख को दूर कर दिया, किसी मरीज की इयादत कर ली, किसी आदमी को जो उसका कोई अजीज जिसका इंतकाल हो गया हो उसको तसल्ली दे दी। ये सारे आमाल ऐसे हैं कि जो तुम्हारे लिए जन्नत का परवाना बन सकते हैं। और अगर इन्हीं औकात को तुमने जाय कर दिया अलयाज़ु बिल्लाह गुनाहों के कामों में, बद नजरी में, लोगों के साथ लड़ाई झगड़े में, लोगों की गीबतें करने में, लोगों को के ऊपर तोहमतें लगाने में, इसमें सर्व कर दिया, तो ये उम्र बेकार गई। सिर्फ बेकार ही नहीं गई, ये तुम्हारे लिए जहन्नम का परवाना लेके आई। तो अन उम्र ही फीमा अपना, इसका क्या मतलब हुआ कि हर वक्त हर इंसान को ये चाहिए कि जो लम्हात जिंदगी मेरे गुजर रहे हैं वो अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी के खिलाफ ना हो। ये तैयारी है उम्र की। अन उम्र ही फीमा अपना। फिर उसमें खास तौर पर आगे दूसरा सवाल यह है कि अन शबाब ही फीमा अबलाह, तुम्हें हमने जवानी दी थी, उस जवानी को तुमने किस तरह पुराना किया, यानी उस जवानी को किस तरह बुढ़ापे तक पहुंचा दिया, यानी जवानी का जमाना तुमने किस तरह गुजारा। जब बड़े हो जाता है ना आदमी, उम्र बड़ी हो जाती है, ख्याल होता है कि अब मेरी मौत का वक्त करीब आने वाला है, तो उस वक्त तो बड़े से बड़ा गुनाहगार भी वो अल्लाह ताला की तरफ कुछ रुजू करने लगता है, कुछ उसको ख्याल आ जाता है कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ, अब मुझे आखिरत की फिक्र करनी चाहिए, अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह की ताअत में कुछ वक्त गुजारना चाहिए, ख्याल आ ही जाता है। लेकिन असल बात यह है कि जवानी में जबकि सारे कुवा मजबूत हैं, बड़े से बड़ी मुहिम सैर करने का जज्बा मौजूद है, उस वक्त में उस जवानी को तुमने कहां खर्च किया। जवानी में अगर इंसान अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम का पाबंद बने और अपनी जवानी को अल्लाह ताला की इबादत में, उसके दिए हुए फराइज में, उसके दी हुई हसनात में इंसान खर्च करता है, तो फिर वो कैसा बन जाता है कि फरमाया पांच आदमी हशर के मैदान में जहां गर्मी की वजह से लोगों के पसीने बह रहे होंगे, उस वक्त में ये पांच आदमी अल्लाह के अर्श के साए में होंगे।
वो कौन है? उनमें से एक फरमाया शाबन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत में परवान चढ़ा, यानी जमाने जवानी ही से उसका रुख अल्लाह ताला की तरफ हो गया। यह मतलब नहीं है कि जवानी के अंदर जो कुछ दिलचस्पी के मशगले होते हैं उनको छोड़ दे इंसान, यह मुतालबा नहीं है कि मसलन जवानी के अंदर आदमी को जज्बा होता है कुछ थोड़ा बहुत खेल कूद का भी, जायज हुदूद में, कोई मना नहीं है। इसी तरह जवानी के अंदर इंसान को जो है वो बड़े से बड़ी मुहिम सर करने का एक जज्बा होता है, तो उस पर भी कोई गुमानात नहीं है। लेकिन जिन चीजों पर अल्लाह ताला ने हद आयद कर दी कि तुम्हारी नजर यहां से आगे नहीं बढ़नी चाहिए, तुम्हारी जबान इस हद पर जाकर रुक जानी चाहिए, उन हुदूद की पाबंदी कर ले और अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में अपने आप को परवान चढ़ाए। शुरू ही से मसलन नमाज बाजमात का पाबंद हो, शुरू ही से उसको ये शौक हो कि मैं पहली सब में जाकर बैठूं, शुरू ही से उसको ये शौक हो कि मेरी तकबीर उला फौत ना हो, और अपने मामूलात में, अपनी जिंदगी के मामूलात में अल्लाह के जिक्र को दाखिल करे, कुरान करीम की तिलावत को अपना रोजाना का मामूल बनाए, थोड़ा हो या ज्यादा, कोई दिन कुरान करीम की तिलावत से खाली ना रहे, इस बात का जज्बा हो कि मैं अपनी जात से दूसरों को फायदा पहुंचाऊं, कोई दुखी है तो उसका दुख दूर करूं, और खिदमत खल्क के अंदर अपनी कुव्वत को इस्तेमाल करूं, मखलूक की खिदमत में इस्तेमाल करूं। यह है वो शख्स कि शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, जो ये जवान है जो अल्लाह की इबादत में परवान चढ़ा, तो अल्लाह तबारक बताला उसको उस दिन जबकि लोगों के पसीनों में लोग डूबे हुए होंगे, सूरज इंतहाई करीब होगा, उस वक्त में अल्लाह तआला जलालहू ऐसे नौजवान को अपने अर्श में, अर्श के साए में रखेंगे। और अर्श के साए ऐसा नहीं है कि किसी दरख्त के साए में बैठ गए, अर्श तो एक ऐसी चीज है कि जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते, वहां किसी गर्मी की आंच भी नहीं आ सकती, उस अर्श के साए में रखेंगे हम उस नौजवान को। तो अन शबाब ही फी मा अबलाह, दूसरा सवाल जो किया जाएगा वो ये कि तुम्हें जवानी दी थी, उस जवानी को तुमने किस तरह पुराना किया, यानी किस तरह उसको खर्च किया, यहां तक कि बुढ़ापे में पहुंच गया। बुढ़ापे में पहुंचकर तो बड़े से बड़ा गुनाहगार भी आके मस्जिद में बैठ जाता है, रिटायर होने के बाद जब दुनिया से चला गया, हर किस्म के काम खत्म हो गए, तो उन्होंने कहा बस चलो भाई अब और तो कोई काम है नहीं, बेटे भी नहीं कुछ पूछते, पोते भी नहीं पूछते, अब अल्लाह ही का वाला करो और मस्जिद में जाके बैठ जाओ, वहां नफले भी पढ़ो, वहां जिक्र भी करो, तस्बीह भी करो। तो मौलाना फरमाते हैं कि बख्त पीरी गुर के जालिम मी शबद परहेजगार, दर जबानी तौबा कर दन शेबा पैगंबरी। कह रहे भाई बुढ़ापे में तो जो जालिम भेड़िया होता है वो भी परहेजगार बन जाता है, ना मुंह में दांत ना पेट में आंत, तो क्या किसी को फाड़ के खाएगा। लिहाजा जालिम भेड़िया भी बुढ़ापे में परहेजगार बन जाता है, लेकिन दर जवानी तौबा कर दन शेवाए पैगंबरी, जवानी की हालत में तौबा करना और अल्लाह तबारक व तआला की मासियतों से बचना, यह है पैगंबरों का शेवा। इसलिए फरमा रहे हैं कि अरे जवानों, इस जवानी को मामूली चीज ना समझो, तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने कुव्वत दी है, तुम्हें तवानाई दी है, तुम अगर चाहो तो जितनी चाहो इबादत कर सकते हो, बुढ़ापे में पहुंचोगे तो तुम्हें नमाज पढ़ने के लिए भी कुर्सी चाहिए होगी,
और अगर तुम हज को, या लोग इंतजार करते रहते हैं जी हज जो है वो हम जाके बुढ़ापे में करेंगे, अरे भाई ये इबादत जो है हज की इबादत, ये कुव्वत चाहती है, ताकत चाहती है। तो अगर जवानी में कर लोगे, बड़े जज्बे और उमंग से कर लोगे और इत्मीनान से कर लोगे, बुढ़ापे में कोई दूसरा तुम्हें व्हील चेयर पे ले जा रहा होगा और तुम्हारा दिल चाह रहा है कि मैं तवाफ करूं, पांव जवाब दे जाएंगे, तुम्हारा दिल चाह रहा है कि मैं सही करूं, तुम्हारे बस में नहीं होगी। तो आज जवानी को गनीमत समझ लो। तो दूसरा सवाल यह है कि तुमने जवानी किस चीज में गंवाई, यह सवाल है। आगे दो और है मगर वक्त खत्म हो गया है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने जिंदगी अता फरमाई और अल्लाह ताला हमारे भाई साहब हजरत सदर दारुल उलूम कराची हजरत माना मुफ्ती मोहम्मद रफी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम जो अलील है, अल्हम्दुलिल्लाह कल से कुछ तबीयत में किसी कदर बेहतरी आनी शुरू हुई आप हजरात की दुआओं से। मजीद दुआओं की दरख्वास्त है, अल्लाह तबारक व ताला उनको मजीद सेहत व कुव्वत कामिला अता फरमाए और वह दोबारा यहाँ पर तशरीफ फरमा हो और आपसे मुखातिब हों। बाखिर दावाना www.dasquran.com